बिलिंग सहित मध्य प्रदेश के सभी पटवारियों का यूटर, हड़ताल जारी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी के पटवारियों के लिए दिए गए बयान पर रौन तहसील प्रांगण में पटवारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल। पटवारियों ने कहा कि जब तक जीतू पटवारी अपने बयान वापस नहीं लेते तब तक हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन मंत्री अपने बयान पर अडिग है और भिंड रौन के पटवारी संघ ने यह जानकारी दी, जब तक जीतू पटवारी अपने बयान वापस नहीं लेते तब तक हड़ताल जारी रहेगी। पटवारी के खिलाफ पटवारियों ने नारेबाजी भी की। इसके प्रति लामबंद हुए, पहले मंत्री जी को हमने अल्टीमेटम दिया कि वो 3 दिन में इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे। जब सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो मध्य प्रदेश पटवारी संघ माननीय प्रांताध्यक्ष महोदय द्वारा उनके आह्वान पर हम लोगों ने हड़ताल बुलाई और 3 दिनों से हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं। लगातार 3 दिनों के हड़ताल के बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा कोई ऐसे प्रयास नहीं किए गए कि हमारे साथियों को मनाया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए। लगातार आए दिन कोई ना कोई मंत्री जी, अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह जी ने भी हम लोगों पर एक भ्रष्टा का आरोप लगाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कब तक मंत्री जी और उनके साथीगण मंत्रिमंडल में ये कर्मचारियों के विरुद्ध इस प्रकार से दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते रहेंगे। कर्मचारी आपका है, शासन आपका है, शासन से हम लोग बंधे हुए हैं। किसान और शासन के बीच की डोर पटवारी है। लगातार मुआवजा दिलाने में पटवारी सहयोग करता है, अतिवृष्टता में, फसल सर्वे में, हर घनघोर जो भी आप काम लेना चाहते हैं, हर छोटे छोटा काम, बड़े से बड़ा काम पटवारी के ओर रखता है। इवन अगर सड़क पर साड़ भगाने का काम भी है, जो नगर पालिका का काम है, वो भी पटवारी को दे दिया जाता है। चुनाव में काम हम करें उसका अतिरिक्त भत्ता हमें ना मिले, अतिरिक्त हल्के हम काम करें उसका पैसा मानदेय ना मिले, हमें TADA ना मिले कहीं जाने का। आए दिन जिले में दौरे होते रहते हैं, जिले के बाहर भी दौरे होते रहते हैं, वो पटवारी को अपने पैसे से बहन करना पड़ता है। इसके बारे में तो मंत्री जी ने कभी नहीं कहा, ना कभी इसके बारे में सोचा। तो जब हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के इस हड़ताल को हमने बुलाया है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम इस हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे और हमारे जिला स्तर पर और प्रांत स्तर पर जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनका हम पालन करेंगे। अभी आप लोगों ने अपने अपने बस्ते जमा कर दिए हैं, आगे अगर मंत्री जी माफ़ी नहीं मांगते तो आप लोगों की क्या कार्य योजना है, क्या करेंगे? जिला स्तर और प्रांत स्तर पर जो भी हमें निर्देश दिया जाएगा हम उन निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। प्रांत स्तर पर हमारे माननीय उपेंद्र सिंह बाघेल जी, वो जो हम कहेंगे। जिला स्तर पर हमारे मनीष भाई, देवेंद्र त्रिपाठी जी, ये हमें जो भी निर्देश देते हैं प्रांत स्तर और जिला स्तर से हमें निर्देश आते हैं उन निर्देशों का। भिंड से प्रदीप रजावत की रिपोर्ट। सभी देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इन नवरात्रों में आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। ज्ञान न्यूज एक बार फिर आप सभी को नवरात्रों के पावन आगमन की शुभकामनाएं देता है।